गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बार बार जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरों में करवाया जा रहा है शिफ्ट। फिर भी रैन बसेरे में जाने के बाद कुछ लोग दोबारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर डाले हुए हैं डेरा। सभी रैन बसेरे नजर आए लगभग खाली। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने लोगों से की अपील, कहा रैन बसेरे में रुकने की है पूरी व्यवस्था, ना सोए फुटपाथ पर। फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाला शातिर अपराधी सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सहजनों से दोहरी घाट के मध्य नई रेल लाइन बिछाने के संरेखण में पड़ने वाले भूमि के अर्जन के संबंध में रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक बांसगांव के सांसद के अध्यक्षता में हुई संपन्न। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने प्रभावित काश्तकारों को समय से तथा उचित मुआवजा का शीघ्रता से वितरण के दिए निर्देश। फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र के संचालक विशाल कुमार गुप्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं लगाने वालों का किया चालान। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर निगम की टीम ने एनसीसी के बच्चों के साथ चलाया विशेष सफाई अभियान। महानगर के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्ति को किया साफ। अब खबरें विस्तार से। बार बार जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को वहां से हटवाकर रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी रैन बसेरे में जाने के बाद दोबारा फुटपाथ पर रहने के लिए आकर अपना डेरा डाले हुए हैं। गोरखपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने कचहरी चौराहे पर सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले नागरिकों को हटवाकर रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया था, लेकिन अब भी ऐसे लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर रह रहे हैं। मंगलवार की शाम तहसील प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके रैन बसेरे में शिफ्ट किया था, लेकिन बुधवार को दोबारा लोग फुटपाथ पर रहने के लिए आ गए। इसमें नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है, जबकि शासन का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे व खुले आसमान के नीचे सोते हुए नजर न आए। वहीं जब रैन बसेरों को चेक किया गया तो सभी रैन बसेरे खाली नजर आए। रैन बसेरे के संचालकों का कहना है कि जब हमारे पास कोई रहने के लिए आएगा तभी तो हम उनको रहने के लिए सुविधा देंगे, जब लोग आएंगे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। रैन बसेरे में रहने के लिए तख्ता, कंबल, रजाई, तकिया, पीने का शुद्ध पानी है। इसके अलावा शौचालय व नहाने की भी पूरी व्यवस्था है, जिसके संबंध में एसडीएम नेहा बंधु ने बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जिनके पास घर नहीं है, बेसहारा है, फुटपाथ पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए तहसील प्रशासन रात में निकल कर लोगों को रैन बसेरे में पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं वह लोग रैन बसेरे में रह सकते हैं, क्योंकि रैन बसेरे में बिस्तर, पानी की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह लोग रैन बसेरे में जाकर रह सकते हैं, उनके रुकने की पूरी व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक रिजवान मलिक अंसारी, रैन बसेरा संचालक अशोक कुमार सिंह, शिव जितेंद्र झा और एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा Thank you.
रही है, कितने बेटे और एक चेयर यहाँ देता है। अरे निजामुद्दीन अंसारी। कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला। किस लिए आए हैं? सुबह ट्रेन पकड़ना है गोरखधाम, लोकमान्य तिलक जो मुंबई जाती है। आप रैन बसेरे में यहाँ पे रुके, किस तरह की व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है। रात भर रहेंगे? हाँ रात भर रहेंगे। कहाँ जाना आपको? जाना है हमको वहाँ पूना। मेरा नाम जितेंद्र झा। और महिला 10 बेड है पुरुषों के लिए, 10 है महिलाओं के लिए। बाकी ब्रेड और ये सब एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा भी लोग आ जाए तो भी उनका व्यवस्था हो जाता है। इस ठंड का सीजन बढ़ गया है तो यहाँ पर काफ़ी किस्म का चुकी है। जैसे 10 बेड का है तो कल 12 लोग रखे थे, तो ठंड का मौसम में एक आध बढ़ भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाती है। बाकी लैट्रिन बाथरूम पूरा फ्रेश है, आप देख सकते हैं। पीने के लिए एरो वाटर है। अशोक कुमार सिंह। सारी व्यवस्थाएं हैं, 15 बेड है, शाम को बुक होता है। यहाँ पे रुकने के लिए क्या कंबल ये सब? रजाई कंबल सब है। 15 रुकते हैं, 5 महिलाएं हैं, 10 पुरुष। बाकी अलाव वगैरह की? अलाव व्यवस्था है, सामने शाम को जलता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी रोड रोड पे सोते हैं, वो लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, ऐसे लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था भी है। ठीक है, अब ऐसे लोग आएंगे तो हम लोग रखेंगे। जी शिव नाम। क्या क्या व्यवस्था है जी? सर यहाँ व्यवस्था दिया गया है बेड का, एक एक बेड अपना, 22 आदमी इसमें रुक सकते हैं सर, 22 चरपाई हैं। उसमें व्यवस्था है उड़ने के लिए? उसमें कंबल दिया गया है, चादर दिया गया है, तकिया है, सब कुछ, नहाने का, अंदर धोने का व्यवस्था, लाइट रूम बाथरूम व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। यहाँ पर लोग रुकते हैं? जी सर, ये शाम को लगभग वही 6-7 बजे से आते हैं लोग, 8-9 बजे तक जो एंट्री होती है वो रजिस्टर में सब मेंटेनेंट होता है सर जी, नाम लिखा जाता है, नाम पता मोबाइल नंबर एड्रेस सब सारी लिखे जाते हैं। अलाव नहीं जल रहा है? अलाव क्वाइल वाला? अलाव जो आग जलता है? नहीं सर, बाहर नहीं जल रहा है, इसमें आग नहीं जल रहा है सर। बाहर आग जलता है? नहीं सर, नहीं आग नहीं जल रहा है। व्यवस्था नहीं किया नगर निगम सर? यहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ आगे हुआ है इस रोड के बगल में, यहाँ पर नहीं हुआ। सड़क किनारे लोगों को
जी, जैसा कि मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी है कि अभी आगामी जो दिनों में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, ऐसे में कुछ व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है, बेसहारा हैं, बाहर फुटपाथ पर सो रहे हैं या रह रहे हैं, तो डीएम सर के आदेश हैं और सरकार की भी मंशा है कि जो बाहर असहाय लोग हैं, इन लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए पूरा प्रशासन रात में भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाए, रात में भी उन लोगों को शिफ्ट किया गया है, कल रात की ही बात है ऐसा, और हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। मैम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक उनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें जैसे हमारी सरकार की प्रशासन की व्यवस्था है कि हमारे गोरखपुर में काफ़ी पर्याप्त रैन बसेरे हैं, उनमें उसमें सोने की, बिस्तर की, पानी की, सबकी व्यवस्था है। तो मेरा लोगों को आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यही सूचना देना चाहूँगी कि आप जितने लोग बाहर सो रहे हैं या इस तरह के, तो तुरंत आप सूचना करें, उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा सकता है। और हमारे और आपके सबके सहयोग से ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए नहीं है, रात गुजारने के लिए नहीं है, वो कड़ाके की ठंड में कम रैन बसेरे में आराम से चैन की नींद सो सकें। कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह पुत्र खरबान सिंह निवासी ग्राम खोराबार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके द्वारा विवादित जमीन की खरीद फरोख्त कर या फर्जी कागज तैयार कर बिक्री करता है। इसके द्वारा सन 2004 में सरिता चौधरी की जमीन महादेव झारखंडी में स्थित है, उसका फर्जी वसीयत तैयार कर अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया। उस समय तहसीलदार शशिभूषण सिंह थे, ऐतराज होने पर पुनः उन्होंने उक्त आदेश कैंसिल कर दिया। इसी बीच सुनील चौधरी ने उक्त जमीन अपनी पत्नी के नाम बिक्री कर दिया और पुनः सुनील ने उक्त जमीन पत्नी से संतोष चंद को बिक्री कर दिया। उक्त वसीयत बाद में कैंसिल हो गई और वह जमीन सरिता चौधरी के नाम हो गई। सभी रजिस्ट्री शून्य मान लिया गया। उक्त फर्जी कार्य के लिए सुनील चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इससे पूर्व इस सातर किस्म के अपराधी सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह ने सिंगरिया कूड़ा घाट में रात में जेसीबी लगाकर एक महिला की जमीन की बाउंड्री गिरा दिया था, जिसमें 307 भारतीय दंड विधान का मुकदमा पंजीकृत है। इसके विरुद्ध कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। यह फ्रॉड एवं मारपीट जैसे अपराध करने का आदि है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, कांस्टेबल राकेश सिंह, उदय सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये गोरखपुर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के तहत थाना कैंट में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 790/22, जिसमें कि धोखाधड़ी करके बैनामा करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था। इसमें एक वांछित अभियुक्त था सुनील चौधरी, जिसे कि सुबह बाजार से गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर पूर्व से 7 अभियोग पंजीकृत थे, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नहीं, बरामदगी नहीं, चूँकि इन्होंने फर्जी तरीके से बैनामा किया था, तो उस संबंध में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत हुआ था। थैंक यू। सहजनवा से दोहरी घाट के मध्य नई रेल लाइन बिछाने के संरेखन में पड़ने वाले भूमि के अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा वितरण हेतु रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक करते हुए सांसद बांसगांव कमलेश पासवान ने निर्देश दिया कि रेल लाइन बिछाने के संरेखन में पड़ने वाली भूमि के प्रभावित काश्तकारों को समय से तथा उचित मुआवजा का वितरण शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य की समीक्षा उनके द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा, इसमें कहीं
कहीं भी लापरवाही न होने पाए और सभी समस्याओं का समय से निस्तारण करते हुए कार्यवाही पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण होने से आम जन को काफी लाभ मिलेगा। बैठक में रेलवे से मुख्य अभियंता निर्माण अखिलेश त्रिपाठी, डिप्टी चीफ इंजीनियर कृष्ण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील गौड़ आदि उपस्थित रहे। कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विशाल कुमार गुप्ता पुत्र चंद्रभान गुप्ता निवासी नंदा नगर निकट FCI क्रॉसिंग थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि अभियुक्त विशाल कुमार गुप्ता पुत्र चंद्रभान गुप्ता निवासी नंदा नगर निकट FCI क्रॉसिंग थाना कैंट गोरखपुर नंदा नगर क्रॉसिंग के पास जनसेवा केंद्र चलाता है, जिसके द्वारा उपरोक्त मुकदमा में नामजद अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए अपने जनसेवा केंद्र के माध्यम से अभियुक्त अतुल कुमार त्रिपाठी का फर्जी खाता खोलकर नामजद अभियुक्त गणों का सहयोग किया गया एवं बिना सत्यापन खाता फर्जी DL के द्वारा आसाम के रहने वाले व्यक्ति के नाम पर खोला गया और उक्त खाते में 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर निकाला गया। जांच में उक्त व्यक्ति फर्जी पाया गया एवं ID में जो DL प्रयोग हुआ था वह फर्जी पाया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त विशाल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना में अभियुक्त मुरारी साहनी व गोकुल साहनी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, कांस्टेबल संजय कुमार यादव, शुभम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये थाना स्थानीय पर 464/22 अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक जनसेवा केंद्र संचालक के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादी के द्वारा बताया गया था कि उनका 1.5 लाख रुपए का गलत तरीके से गबन किया गया है इनके द्वारा। जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो ये पाया गया कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अकाउंट खोले गए हैं और उनका संचालन किया गया था। आज थाना कैंट पुलिस द्वारा अभियुक्त विशाल गुप्ता को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने का मामला रहा? ये लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो वादी के द्वारा बताया गया था उसके द्वारा हेरफेर किया गया था। थैंक यू। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बार बार जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरों में करवाया जा रहा है शिफ्ट। फिर भी रैन बसेरे में जाने के बाद कुछ लोग दोबारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर डाले हुए हैं डेरा। सभी रैन बसेरे नजर आए लगभग खाली। SDM सदर नेहा बंधु ने लोगों से की अपील, कहा रैन बसेरे में रुकने की है पूरी व्यवस्था, ना सोए फुटपाथ पर। फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाला शातिर अपराधी सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सहजनवा से दोहरी घाट के मध्य नई रेल लाइन बिछाने के संरेखण में पड़ने वाले भूमि के अर्जन के संबंध में रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक बांसगांव के सांसद के अध्यक्षता में हुई संपन्न। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने प्रभावित काश्तकारों को समय से तथा उचित मुआवजा का शीघ्रता से वितरण के दिए निर्देश। फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र के संचालक विशाल कुमार गुप्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं लगाने वालों का किया चालान। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर निगम की टीम ने NCC के बच्चों के साथ चलाया विशेष सफाई अभियान। महानगर के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्ति को किया साफ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जनपद में ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ तरंग क्रॉसिंग पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में ठंड बढ़ गई है, जिससे कोहरा भी बढ़ गया है। कोहरे में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए ITMS के माध्यम से व सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं और हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, इससे जान माल का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चेकिंग किया गया है। इसमें जिन लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया था और वाहन के कागज नहीं थे, उनके वाहन का चालान किया गया है। सभी वाहन चालकों से अपील किया गया है कि वह यातायात नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, इस समय कोहरे का मौसम चल रहा है। कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं की संख्या कोहरा होने के कारण बढ़ जाती है। ऐसे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए लगातार हम ITMS के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सभी वाहन चालकों को आगाह कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं, हेलमेट धारण करें एवं सुरक्षा संबंधी जो भी हमारे सारे मानक हैं, जिनके बारे में समय समय पर बताया गया, सभी का पालन करें ताकि मार्ग दुर्घटनाएं ना हों। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यातायात नियमों के प्रति गंभीर नहीं हैं, इससे जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, उनको चेतावनी देने के उद्देश्य से आज पुनः, जैसा कि हम समय समय पर कहते रहते हैं, फिर से संयुक्त रूप से मेरे और RTO गोरखपुर मंडल के द्वारा चेकिंग की कार्रवाई तरंग क्रॉसिंग के पास की गई। इसमें जो इन लोगों ने HSRP प्लेट नहीं लगाई थी अथवा हेलमेट धारण नहीं किए थे अथवा उनके वाहन के अन्य कागजात पूरे नहीं थे, उस संबंध में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ सभी वाहन चालकों के लिए सचेत किया गया कि कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु संपूर्ण सुरक्षा प्रबंधों का संपूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन करें और यातायात व्यवस्था में सहयोग दें और स्वयं भी सुरक्षित रहें।
थैंक यू। नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शास्त्री चौक पर एनसीसी के बच्चों के साथ विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विशेष सफाई अभियान नगर निगम के द्वारा विभिन्न चौराहों पर चलाया जा रहा है, जिसमें एनसीसी के बच्चों ने भी भाग लिया है, जिसमें शहर के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों को भी साफ किया गया है और महानगर के विभिन्न पार्कों की भी सफाई की गई है। उन्होंने कहा कि महानगर में लगे महात्मा गांधी की मूर्ति, शास्त्री चौक पर लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति की साफ सफाई की गई है, जिसमें प्रवर्तन दल की टीम ने भी अपना सहयोग दिया है और लोगों को एक संदेश दिया है कि वह साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सी पी सिंह एवं सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने कहा, बच्चे ट्रैफिक के लिए आए ना, जो एक छुट्टी कहते हैं संजू छुट्टी, एक्चुअली सफाई अभियान अभी कल शाम को मीटिंग हुई थी नगर आयुक्त साहब की, उसमें सहायक नगर आयुक्त साहब थे, उप नगर आयुक्त थे और अपर नगर आयुक्त साहब, तो ये कहा गया था कि कल हम लोग एनसीसी को भी जोड़ेंगे, तो शाम को हमें मैसेज मिला था, फिर यहाँ के जो स्टेशन कमांडर हैं ब्रिगेडियर रावत साहब, उनको हमने अप्रोच किया और उन्होंने फिर कर्नल चंदेल साहब जो एनसीसी के वो बटालियन कमांडर हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो आज उसी के तहत हम लोगों ने एनसीसी के कैडेट्स को भी इसमें सहभागिता के लिए बुलाया था, क्योंकि ये बच्चे यही तो आगे वाले लीडर्स हैं, बॉन्ड लीडर्स हैं और एनसीसी अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इन बच्चों को हम लोग का मेन था कि इन लोग को और सिखाया जाए कि कैसे हम लोग अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये जो महापुरुषों हैं उनको हम लोग पढ़ते तो हैं पर उनको साथ एक्चुअल ग्राउंड में भी कैसे उनको उनकी सेवा की जाए, तो जिससे ये इंस्पायर होकर आगे चल के अच्छे लीडर्स बने और एनसीसी एक बहुत बड़ा अंग है अपने देश का, तो उसी के तहत बच्चों को सबको बुलाया है और इनको सिखाया है और साथ साथ इन्होंने इतना बढ़िया काम किया बच्चों ने आज कि दिल तबीयत खुश हो गया, दिल से इन्होंने जितनी भी वहाँ पे जो महापुरुषों की मूर्तियाँ थीं उनको बिल्कुल साफ सफाई करके और यहाँ से सीख के जाएंगे, तो बोलते ना कि व्हाट इज़ योर टेक अवे, तो टेक अवे आज का ये है कि ये बच्चे सीख के जाएंगे कि बढ़िया हमें कैसे अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, उनके उनके प्रति कैसे हम लोग को हमारा मतलब जो कर्तव्य है अपने महापुरुषों में, चाहे घर में माँ बाप हों चाहे अपने दादा दादी हों उसी तरह महापुरुष हैं, तो ये बढ़िया चीज़ थी, बहुत बढ़िया था और बड़ा इन लोगों का आज मज़ा आया कि बच्चों के साथ काम करके, हमारी टीम ETF की पूरी टीम हर दिन अच्छे अच्छे काम करती रहती है, आज ये अलग काम था तो हमने चलो ये बच्चों को साथ में, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं। थैंक यू। डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर। यह विशेष सफाई अभियान स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज गोरखपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत हम लोगों ने NSS और NCC के कैडेट के साथ इस अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर में हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की जो प्रतिमाएं हैं, जो उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो पार्क्स हैं, उनकी एक बृहद सफाई अभियान और स्वच्छता अभियान हम चलाए हुए हैं। आज आप देख सकते हैं हम लोग शास्त्री चौक पे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा और हमारा जो स्मारक स्वतंत्रता संग्राम स्मारक है उसकी सफाई अभियान करा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने अभी महात्मा गांधी जी की मूर्ति की साफ सफाई किया, साथ ही साथ महारानी लक्ष्मीबाई की पार्क की सफाई अभियान में NSS और NCC के कैडेटों के साथ किया, जिसमें हमारे कर्नल CP सिंह की टीम भी पूरे तरह से मुस्तैद थी और इस अभियान के तहत हम लोगों ने जन जागरूकता के अभियान भी चलाए, लोगों को भी जोड़ा है और ये मैसेज दिया है अपने युवा पीढ़ी को और अपने नागरिकों को कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम प्रत्येक ऐसे चौराहे पर जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं लगी हैं उसकी विशेष अभियान चला रहे हैं, उसकी विशेष स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, उस एरिया की सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं
उनको हम एक सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बार बार जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरों में करवाया जा रहा है शिफ्ट। फिर भी रैन बसेरे में जाने के बाद कुछ लोग दोबारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर डाले हुए हैं डेरा। सभी रैन बसेरे नजर आए लगभग खाली। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने लोगों से की अपील, कहा रैन बसेरे में रुकने की है पूरी व्यवस्था, ना सोए फुटपाथ पर। फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाला शातिर अपराधी सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सहजनों से दोहरी घाट के मध्य नई रेल लाइन बिछाने के संरेखण में पड़ने वाले भूमि के अर्जन के संबंध में रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक बांसगांव के सांसद के अध्यक्षता में हुई संपन्न। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने प्रभावित काश्तकारों को समय से तथा उचित मुआवजा का शीघ्रता से वितरण के दिए निर्देश। फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र के संचालक विशाल कुमार गुप्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं लगाने वालों का किया चालान। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर निगम की टीम ने एनसीसी के बच्चों के साथ चलाया विशेष सफाई अभियान। महानगर के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्ति को किया साफ। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।